वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दूसरी रेसिपी। तो आज मैं सीरा बनाने जा रही हूँ, और सीरा हिमाचल की सबसे फेमस डिश है। आई होप आपने सुना होगा इसके बारे में। एंड ये इतनी फेमस इसलिए भी है बिकॉज इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अगर तो आप जैसे चंडीगढ़ में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, मतलब जहाँ बहुत ही वार्म क्लाइमेट होता है, तो वहाँ के लिए तो ये डिश बहुत ही अच्छी है बिकॉज ये आपके स्टमक को बहुत हेल्दी रखती है, मतलब ठंडक पहुँचाती है बॉडी को बेसिकली। एंड अगर आपको कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी ये ठीक करती है। तो मतलब ये बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही हेल्दी है। आप घर में ट्राई करो इसको, तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है खाने में। तो मैं बताती हूँ आपको। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले सीरा। सीरा बेसिकली हम जैसे हम घर जाते हैं तो हम बना देते हैं घर में, या फिर कोई हमारे चाचा जी होते हैं, ताई जी वगैरह होते हैं, वो बना देते हैं सीरा। तो घर में बनता है और मतलब जल्दी बन जाता है, बहुत ही इजी वे है इसको बनाने का। तो अभी हमारे पास बना बनाया सीरा था जो घर से आया था कहीं भी। तो हमने क्या किया, हमने सीरा लिया एंड मैंने एक कटोरी सीरा लिया और मैंने उसमें एक कटोरी चीनी ऐड कर दी, और फिर मैंने उसमें उतना ही पानी ऐड कर दिया। तो मैंने अपने सीरे को, चीनी को एंड पानी को ऐड करके अराउंड 5 to 10 मिनट्स के लिए स्टे करने को रखा था। एंड ये है रिजल्ट। ये मेरे पास एकदम इसमें घुल चुका है मेरा सीरा, और चीनी इसमें प्रॉपरली घुल चुकी है, तो मेरे को इसको ज़्यादा स्टिर करने की नीड नहीं है बिकॉज ये प्रॉपरली मिक्स हो चुका है। हाँ, तो ये प्रॉपरली मिक्स हो चुका है। तो मेरा ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब मुझे चाहिए इसके लिए सौंफ, मतलब अपने अकॉर्डिंग जितनी डालनी आप डाल सकते हो, जितनी भी आप डालते हो बेसिकली। और मुझे घी चाहिए। मैं घी उतना ही लूँगी जितनी मैंने शुगर एंड सीरा लिया था। एंड मतलब अब आप कैसे आइडिया लगाओगे इसका, तो मतलब बेसिकली लग जाता है पता, ये सेम वेट में लेने हैं, सेम से लेने हैं। एंड मैं शुगर ऐड कर चुकी हूँ, तो मुझे इसकी नीड नहीं है आगे शुगर ऐड करने की। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इसको बनाना। तो मैंने गैस को ऑन कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी घी। तो घी को ज्यादा गर्म नहीं करना है, मतलब जब थोड़ा गर्म हो जाएगा हल्का सा, तो बस वो काफी है, इतना गर्म कर देंगे। मेरा घी बस गरम होने वाला है। अब मेरा घी गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो मैंने बैटर बना के तैयार किया था। तो इसमें हम ऐड करेंगे पहले थोड़ी सी सौंफ। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना पेस्ट जो हमने बना के रेडी किया था। एंड ध्यान रखना कि हमें ना ये लो आंच में ही पकाना है। अगर अपनी आंच ज्यादा कर दोगे तो सीधा नीचे लग जाएगा सारा एंड सारा जाएगा। इसको बस धीरे धीरे इसकी मांच पे ऐसे ही स्टर करते रहना है। एंड ये ध्यान रखना कि जब इसको स्टर करने के लिए आप लोगे तो करछी वगैरह मत लेना, ऐसा लेना कि जो आगे से शार्प हो, ताकि इसमें ये ना लग जाता है तो निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। बस धीरे धीरे इसको स्टर करते रहो। एंड घी इसमें ऐसा नहीं है कि ज्यादा है, ये घी अपने आप इसको एब्जॉर्ब कर लेगा कुछ टाइम बाद। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। काफी टाइम से वेट था इसको बनाने के लिए, कब बनाऊं। आज जाके मौका मिला तो सोचा कि बना भी लेती हूँ एंड साथ के साथ वीडियो भी मेरी अपलोड हो जाएगी।
ड्रॉप कर लिया है सीरे ने एंड सारा घी अब्जॉर्ब हो चुका है तो आप देख सकते हो कि इसने कलर भी गेन कर लिया है देसी घी का बना हुआ हलवा इसको हलवा भी बोल सकते हो एंड सूजी ये सूजी से भी बनता है वैसे तो जो बेसिकली सभी बनाते हैं सूजी से तो हमने इसको सीरे से बनाया है तो सीरे के हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं तो इट्स बेटर कि इसको सीरे से बनाओ जब भी बनाते हो बस ये बनके रेडी होने ही वाला है आई होप बहुत टेस्टी बनेगा ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है और बहुत ही यम्मी बहुत ही ज्यादा यम्मी वाओ मजा आने वाला है और अब ये बनके स्टार्ट वो तैयार हो गया है बस मैं गैस बंद करने जा रही हूँ देखिएगा तैयार हो गया हमारा सीरा और मैं इसको इसमें डाल दूंगी अब मैं इसको प्लेट में डालने जा रही हूँ आप भी इसको जरूर बनाना एक बार जरूर आप भी बार बार बनाते जाएंगे अगर आपने एक बार खा लिया ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी है और हेल्थी भी बहुत ज्यादा है आपके लिए धन्यवाद सो एक्चुअली मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग बनाया जाए और टेस्टी बनाया जाए और स्पाइसी बनाया जाए इसलिए मैंने थोड़े से पीनट्स लिए इसको मैंने हल्का सा घी में गरम करके रेडी करा एंड नाउ अब मैं इसको इसमें ऐड करूंगी सीरे में एंड सी कितना सुंदर लग रहा है ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट भी है नाउ माय सीरा इज रेडी आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी थैंक यू